9 अगस्त के दिन जंतर मंतर पर मनुवादियों ने भारतीय संविधान को जलाने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ अपशब्द का व्यापार किया गया, अपमानजनक घोषणा दी गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज से पूरे महाराष्ट्र में इस मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत कर रही है कि तत्काल रूप से वो तमाम लोग जो जंतर मंतर पे संविधान जला रहे थे, बाबा साहब के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और उन्हें तत्काल रूप से गिरफ्तार करने का काम किया जाए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पूरे राज्य में इस तरह से निदर्शन किए जाएंगे, आंदोलन किए जाएंगे। हम मांग करते हैं कि तत्काल रूप से वे सारे लोग जो उस प्रदर्शन में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो। मराठी ज्या पद्धति ने घटना जाड़नेत आली, डॉक्टर बाबा साहेब यांच्या बाबतीत अपशब्द वापरण्यात आले, त्यांचा अपमान करण्यात आलेला आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे आजपासून आंदोलनाला सुरुवात होते। आमची मागणी आहे की तात्काळ त्यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, त्यांना अटक केली पाहिजे। जोपर्यंत गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक होत नाही, राज्यभरात पक्षाच्या माध्यमातून निदर्शना सुरू राहील। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे की या घटनेमुळेच या देशामध्ये सगळं कारभार चालते, घटना अबाधित राहील। कुणाला जाळायचं असेल, बदलायचं असेल, हे अजिबात आम्ही सहन करणार नाही, बाबासाहेबांचा अपमान सहन करणार नाही, आणि हे आंदोलन जोपर्यंत त्यांना अटक होत नाही आमचं आंदोलन सुरू राहणार आहे।